अस्सलामुअलैकुम मामा जान, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम मां सदके जी, मेरा बेटा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? गुड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इधर के हम भाई थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं मौसम को आज। वैसे वाकई मदिया मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि आज यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना 68-70 है, और ये टेम्परेचर जो है ना हमें कभी कभी महीने में एक दो दफ़ा मिलता है, और आज हमें जो ये टेम्परेचर मिला, इतफाक से आज सैटरडे भी है और हम बच्चों को लेके बाहर निकले हैं, और ताकि ये थोड़ा सारा जो कोरोना के हालात थे उनसे बच्चे जो है ना थोड़ा सारा निकलें उस चीज़ से। और आज मुझे इस लिहाज से खुशी हुई है, अब 22 फरवरी को इन्होंने कहा था कि हम लोग ये मास्क वगैरह ये चीज़ें ख़त्म कर देंगे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबको देख रही हूँ कि किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, और बल्कि ये मास्क रखे हुए हैं ये एहतियातन मैं तो बैग के साथ लगा लेती हूँ कि किसी जगह वो कहते हैं कि मास्क होने चाहिए। कल वो डेंटिस्ट के पास गए थे तो उसने कहा था मास्क होने चाहिए, और अभी अभी थोड़ा थोड़ा है, और जो है ना वो उससे ये है कि फिर भी अभी वो खौफ है लोगों के दिलों में। तो मैं अभी आपसे ये जिक्र कर रही थी कि ये एक साइकोलॉजिकली कितना असर है। आज उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा है कि आप अपनी मर्ज़ी है पहने या ना पहने, तो उससे हम लोग कितने रिलैक्स हो गए हैं। और मेरा ख्याल है कि ये आपके अंदर की ताकत है जो आपको बीमार भी करती है और आपको सही भी करती है। और जब आपके अंदर की ताकत कहती है कि इंशाल्लाह मेरा अल्लाह है मेरे साथ, तो मुझे कुछ नहीं होगा, तो फिर वाकई आप बच जाते हो। और जब आप खौफ डर में रहते हो तो आप उस चीज़ में मुब्तला भी हो जाते हो। और हमें खौफ अपने अल्लाह से होना चाहिए, हमें अपने अल्लाह से डरना चाहिए, और बाकी ये जो चीज़ें बीमारियाँ आती हैं इसकी हमें एहतियात करनी चाहिए, और ये भी अल्लाह की तरफ से ही आती हैं, और अल्लाह ताला ने इसका एहतियात का भी हुक्म दिया है, तो इसलिए हम एहतियात भी करते हैं। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब ये वबा आती है तो आप उस जगह से दूसरी जगह हरकत ना करें, और ये इसलिए उन्होंने कहा था कि ये इंसान जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है या तो बीमारी वहाँ लेके जाता है, या उस इलाके में अगर बीमारी होती है तो आप वहाँ मत जाएँ, अगर वहाँ बीमारी होगी तो आप बीमारी वो ले कर अपने घर वापस आएँगे, अपने शहर में या अपने मुल्क में आएँगे। तो इसका अभी इन लोगों ने बड़ा फॉलो किया था, और जब एयरपोर्ट पे हम लोग जाते आते थे तो ये लोग यही कहते थे कि भैया अपना कोरोना टेस्ट कराएं, कोई बीमार हमारे मुल्क में ना आ जाए, हमारे मुल्क से कोई बीमार बाहर ना चला जाए, तो ये हमारी सुन्नत पूरी हो रही थी। और मेरे नबी भी और मेरे अल्लाह भी कितने खुश होंगे इस लिहाज से कि भाई ये देखें अब लोग खुद ब खुद सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं। और मदिया अभी यहाँ पर फरवरी का एंड हो चुका है, मार्च शुरू है, आज 5 मार्च 2022। अभी यहाँ पे कोंपलें नहीं फूटी, यहाँ पे भी ठंड चल रही है, और यहाँ पे मई में जाके ना छोटी छोटी दरख्तों में से छोटी छोटी कोंपलें निकलना शुरू होती हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान इंडिया में मार्च में मौसम, ये वाला मौसम जो है ना बाहर आनी शुरू हो जाती है, और अल्लाह ताला ने भी कहा है कि घूमो फिरो और चलो फिरो मेरी ज़मीन में, और मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो। और ये देखें यहाँ पर अभी ये सारा खुश्क है, और इंशाल्लाह फिर कभी आएँगे दिखाएँगे आपको कि ये कितना सरसब्ज हो चुका होगा। ये देखिए सारा भी जैसे खजां हम कहते हैं ना, यहाँ सर्दी से सारे पत्ते जो हैं और दरख्त जो है ना वो खुश्क हो चुके हैं। और फिर ये अल्लाह ताला हमें बताता है कि जब हम कहते हैं कि जी मर के कैसे ज़िंदा होंगे, तो ये एक निशानी है हमारे लिए। अल्लाह ताला कहता है कि ज़मीन में घूमो फिरो और देखो मेरी निशानियाँ देखो, ये एक निशानी है कि एक मुर्दा, हम इसको टहनियों को मुर्दा आप समझ रहे हैं, और लेकिन देखेंगे कि ये इंशाल्लाह फिर निकल आएंगे। और इसी तरह इंसान के साथ भी होना है, इंसान कहते हैं ना कि जब मर जाएगा तो ज़िंदा किस तरह होगा, तो अल्लाह ताला कहता है कि जब मैंने तुम्हें ऐसे ही पैदा किया था तो तुम्हें फिर मैं ज़िंदा करूँगा, और मैं ज़िंदा मैंने जब तुम्हें ऐसे ही पैदा किया था जब तुम कुछ भी नहीं थे, अब जब तुम हो सब कुछ तुम्हारा बना हुआ है, तो मैं इसको भी दोबारा ज़िंदा कर सकता हूँ। तो मेरे अल्लाह की बड़ी निशानियाँ हैं, और ये भी एक निशानी है कि देखें ये मुर्दा दरख्त है, मुर्दा पत्ते हैं, और इन्हीं को हम हरा भरा देखेंगे, इन्हीं को ये सरसब्ज देखेंगे और इतनी खूबसूरती देखेंगे, और इसमें भी एक हुसन है, इसमें भी एक हुसन है। सुभान अल्लाह, पता है मामा जान, वो कहते हैं नेचर में जाओ बैठो, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद स्ट्रेस कम होती है, स्ट्रेस कम होती है। अभी देखिए ताज़ा हवा लग रही है, और ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा चल रही है, टेम्परेचर 68-70 है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर भी मैं तो एहतियातन मैंने कोट पहन लिया, लेकिन बच्चे यहाँ पे ऐसे ही टी शर्ट में घूम रहे हैं फिर रहे हैं, बच्चे खुश हैं, लेकिन कहते हैं बच्चे बड़े बराबर होते हैं, लेकिन नहीं, बच्चों में इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, बड़ों में ज़रा कम होती है, हमें अपना भी खौफ होता है कि कहीं बीमारी ना हो जाए, ठंड ना लग जाए।
तो अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और आप नेचर को एंजॉय करें और अपने दिल को खुश रखें और बड़ों को भी बाहर लेके आए, बड़ों को बाहर लेके आए, बिकॉज़ काफी अरसा वो बड़े घर में बैठे और वो असल में ये होता है कि एक तो हम कहते हैं ये बच्चे बड़े ओबीडियंट हैं, माँ बाप का कहना मानते हैं, बच्चे एक दफ़ा कहते हैं नहीं हमने नहीं जाना, बच्चे कहते हैं ठीक है मामा पापा नहीं जा रहे, लेकिन प्लीज़ मामा पापा से मैं दरख्वास्त करूँगी कि वो भी जब ये बच्चे आपसे कहें चलो तो आप निकल पड़े, ये बड़ी हिम्मत से आपको कहते हैं और फिर आपको ये संभालते भी हैं, लेके जाते हैं। और जैसे आज आपने मुझे कहा कि मामा जान चलना है, तो पहले मैंने सोचा मैं नहीं जाती कि क्या आप जाएँगे छोड़ें, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं अब जब दूसरों को कहती हूँ कि आप बच्चों का कहना माने, तो बच्चे जब अच्छी बात कह रहे हैं तो उनका भी कहना मानना चाहिए। और ये मैंने देखा कि जब मैंने कहा ठीक है मतिया हम चलते हैं तो आप भी खुश हो गई, तो बच्चे आपके साथ थे सारे, आप अकेली भी आ सकती थी, उमर आ सकता था आपके साथ, लेकिन थैंक यू मदिया। नहीं वो जब इकट्ठे सारे होते हैं ना ज्यादा मजा आता है। और ये जो है ना अक्सर लोग पूछते हैं कि आपका टाइम वहाँ पे कैसे गुजर रहा है, आप इस उम्र में दूसरे मुल्क में जाके रहना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने देखा, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बच्चों को नेक करे, हदायत दे, बच्चे अच्छे हों, तो आपका टाइम बच्चों के साथ बहुत अच्छा गुजरता है। और फिर दूसरा ये कि यहाँ पे वो चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने कभी भी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पाकिस्तान में हैं, लेकिन मैंने वहाँ पे मैंने अवेल नहीं की, मैं नहीं गई कि बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चों की स्टडी थी और डॉक्टर साहब की जॉब थी, हम लोग इतना नहीं निकलते थे, लेकिन अब वाकई टाइम है, अब बच्चे बड़े हो गए हैं और यहाँ के बच्चे बड़े, यहाँ की जो जवान नस्ल है मैं कहती हूँ वो बहुत खुशकिस्मत है कि जो अपनी इस जवानी में इन चीज़ों को अवेल कर रही है। और हमें अगर अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है तो हमें अवेल करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। और बिकॉज आजकल हमारी जो ज़िंदगी है ना मामा जान, हम चलते रहते हैं, स्पेसिफिकली हमारे जो छोटों की उम्र है, हमने ये फिर करना है, फिर वो करना है, फिर ये करना है, घर से निकलना और वाकई बड़ा मुश्किल होता है कि पहले ये सफाई करवा लें, बर्तन इकट्ठे करें, घर के काम छोटे मोटे, सफाइयाँ, सफाई जो काम कभी खत्म नहीं होता, और काम कभी खत्म, और काम को छोड़ के भी निकलने को दिल नहीं करता, लेकिन अगर आप अपना टाइम मैनेज कर लेते हो ना, हो जाता है। जैसे अभी हमने कहा था कि हमने 1:30 बजे निकलना है, तो हमने 1 बजे अपने छोटे मोटे काम सारे खत्म कर दिए, और आप ना मिलजुल के साथ बच्चों के साथ, बच्चों को भी साथ लगाएं, छोटा छोटा और कुछ नहीं, चलो बच्चे अपनी किताबें इकट्ठी कर दें, बच्चों ने अपना जो बर्तन रखे हुए उठा के सिंक में रख दें, बच्चों को इस तरह छोटी छोटी आदतें डालनी चाहिए, जो जब हमारे नबी ने अपने घर का काम सारा खुद किया है, तो हमें अपने बच्चों को भी ये चीज़ें बचपन से सिखानी चाहिए। अब ये चाइल्ड लेबर नहीं है, ये बच्चों को आप तरबियत दे रहे होते हो अपनी सफाई की, जहाँ बच्चे बैठे हैं देखेंगे आगे पीछे कोई गंद तो नहीं है, अगर गंद पड़ा हुआ है तो बच्चे सेंगे जब उठे तो वो साफ। एक और चीज़ मैंने आज मदिया नोट की थी, वो भी मैं अपने व्यूवर्स को एक नसीहत के तौर पे ही कहूँगी, जो मैंने अपने बच्चों को भी नसीहत करती हूँ कि जब भी प्लीज़ घर से बाहर निकलें, चूल्हा बंद करके निकलें, घर के दरवाज़े ज़रूर चेक करें, और बच्चों की भी ड्यूटी लगा देंगे, बेटो घर से निकलने से पहले अपने दरवाज़े सारे चेक करें, बाथरूम की टूटियाँ चेक करें, उसके अलावा इस्त्री चेक करें कि कोई वो लगी तो नहीं है, आजकल चूल्हों में लॉक आया हुआ है वो आप लॉक लगा दें, तो ये हमारे मतलब एहतियात करनी चाहिए, और इससे ये होता है कि आप आइंदा आने वाले नुकसान से बच सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने बच्चों की ये ड्यूटी लगाई थी, रात को सोने से पहले अपने दरवाजे सारे चेक करें, अपने दरवाजे चेक करके सोएं, घर के दरवाजे, मेन दरवाजे, उसके अलावा अपने दरवाज़ों के कमरों की मतलब वो कुंडी लगा के सोएं, ये भी एक सुन्नत है, चिराग बुझा के सोएं, ये भी एक सुन्नत है, रसूल पाक ने कहा था कि चिराग बुझा के सोएं, रात को दरवाजे की कुंडी लगा के सोएं, शैतान अंदर दाखिल नहीं होता, तो ये छोटी छोटी सुन्नतें हैं, आप इन पे अमल करते हो तो मामा जब आप वो करते हो ना फिर आप सुकून से बाहर, अदरवाइज आपका दिमाग उधर ही फिर होता है, मैंने किया या मैंने नहीं किया। घर में अगर तो घर में कोई शख्स होता है हम उसको फोन कर देते हैं कि प्लीज चेक कर लो, अगर घर में कोई नहीं है तो फिर आप जहाँ बैठे हुए हो तो भी ये होगा शायद इस्त्री ऑन करके छोड़ आए हैं, शायद चूल्हा खुला हुआ तो नहीं है कि यहाँ ऊपर चूल्हे के ऊपर कोई बर्तन रखा हुआ है वो जल ना जाए, वो टूटी खुली तो नहीं रहेगी, फ्लश अगर आपने चलाया तो उसको आप ना
टॉयलेट के अंदर दो मिनट वेट कर लें, देख लेंगे टूटी खुली तो नहीं रहेगी, ये ना वापस जाएं तो पानी सारा ख़त्म हुआ हुआ हो। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो बचपन में आप बच्चों को सिखाएं। ये मैं अम्माओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहुओं के लिए, मैं अपनी बहनों के लिए, मतलब माशाल्लाह सब लोग समझदार हैं, लेकिन फिर भी मेरा दिल करता है कि मैं बच्चों को ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बताती रहती हूँ। कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। So remember you guys, time nikal ke, this is important too, because agar, aur ab dekhe, humne, kabhi kabhar aurte kehti hai, nahi, aap log jao, main ghar mein sara apna kaam karo, par apne liye bhi time dena hota hai, because main bhi dekhti hu, main jab maa hosh hoti hai, ya ghar ki aurat hosh hoti hai, na pura ghar phir hosh hota hai. Right, Mama Jan? So we should take time for ourselves, because what happens is that औरतें फिर नहीं करती, औरत घर से नहीं निकलती, बाहर कहती नहीं मैं ये बर्तन मैंने संभालने हैं, या मैं ये कर लेती हूं, मैं वो कर लूं। और जब मर्द बच्चों को लेके घर वापस आता है तो औरत थकी हुई होती है, चिड़चिड़ी बनी हुई होती है। तो मर्दों को भी मैं कहूंगी कि आप प्लीज हेल्प करें, अपनी बीवी के साथ हेल्प करें, उसके साथ उसका थोड़ा बहुत काम करवा दें, फेंकेंगे वापस आके इकट्ठे करते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा टाइम दें, और वो भी देखें इससे कितनी खुश हो जाती है, उसकी भी ज़िंदगी बढ़ जाती है, उसकी दर्दें तकलीफें दूर हो जाती हैं। इट डज, बस थोड़ी देर के लिए, और सिर्फ हम 20 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, जितना आपको टाइम दे सकते हो, साथ रहें, इकट्ठे निकलें, इकट्ठे इंजॉय करें। वो कहते हैं मामा जान, ये जो आपका ब्रेन जो सेंटर है ना, वो ब्रेन और आपकी इम्यून सिस्टम और जो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है और आपका गट के लिए भी बहुत अच्छा है, नेचर वो डायबिटीज को कम करता है, कैंसर को कम करता है, ये सारी चीज़ों से नेचर में जाए। और सबसे ज़्यादा दे से यू ओनली नीड 30 मिनट्स अ वीक, सो उतना तो बंदा हर बंदा कर सकता है, 30 मिनट्स अ वीक, अपने पे टाइम लगाएं, अपने पे टाइम लगाएं। सो जज़ाकअल्लाह खैर मामा जान, व्हाइल वी एंजॉय दिस ब्यूटीफुल व्यू हियर, घर के पास ही है, जज़ाकअल्लाह खैर।